गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं लखनवी गार्डनर चैनल। आज सुबह सुबह छत पे आई तो देखा बहुत अच्छी धूप है, सूर्य नारायण के दर्शन आप भी कर लीजिए। अब देखिए समय आ गया है, 7 दिन से मैंने अपने अडेनियम के मदर प्लांट को और बाकी प्लांटों को ढक के रखा था। आप देखिए मैंने इनके कोडेस को भी ढक रखा था। आप दिखा रही हूँ आपको, इसकी मट्टी एकदम ड्राई है। ये देखिए ढकने का नतीजा, आप देखिए मट्टी एकदम ड्राई है। 7 दिन की बारिश में इस प्लांट पर बारिश का कोई भी असर नहीं हुआ है। अब आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये प्लांट मैंने 5 दिसंबर को प्रून किया था, मैंने आपको दिखाया भी था, ढक के रखा था, अब आपके सामने खोला है। देखिए इसमें अच्छी अच्छी शूट्स निकल के आ रही हैं, छोटी छोटी पत्तियां भी निकल के आ गई हैं। चलिए कल मैंने आपको वीडियो दिखाया था दोस्तों कि मैंने बेबी अडेनियम प्लांट की बारिश में भीग गए थे तो इनकी क्या ट्रीटमेंट किया था। आप देखिए मेरे प्लांट की सारी मट्टी ड्राई हो गई हैं और अब इनको कोई खतरा नहीं है, पानी में भीग गए थे। कल वीडियो मैंने डाला था, आपने बहुत पसंद किया। ये देखिए मैंने अभी 5 दिसंबर को शीट पॉट्स बोए थे, छोटे छोटे बेबी प्लांट भी निकल के आए हैं। मैंने कल भी आपको दिखाया था कितने अच्छे अच्छे जर्मिनेशन हुई। चलिए अब इनको भी खोल देती हूँ। आप भी अगर ढक के रखे हैं या शेड में रखे हैं दोस्तों तो सारे प्लांटों को खोल दीजिए और उसके बाद क्या प्रोसेस करना है आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ढकने का नतीजा, आप देखिए कहीं से भी इनमें डोरमेंसी का असर नहीं है, कलियों का गुच्छा बन के निकल आया है। मैंने आपको बताया था कि जनवरी के महीने में भी मेरे प्लांट में खूब अच्छे अच्छे फ्लावरिंग आ रहे हैं। ये कली तो मेरे पन्नी के ढकने से टूट गई है, खराब नहीं हुई है, तो इनको यहीं से हटा देती हूँ। देखिए पन्नी के ऊपर कितना पानी है, अगर ये पन्नी नहीं ढकी होती तो ये सारा पानी मेरे प्लांट में जाता। अभी हटा दे रही हूँ, अगर कोहरा पाला दिखेगा तो शाम को ढक दूंगी। जड़ों में किसी प्लांट में पानी नहीं गया है। मट्टी देखिए आप, 7 दिन की बारिश के बाद मट्टी आपको दिखा रही हूँ कितनी ड्राई है। आप देखिए कितनी ड्राई मट्टी है मेरी, कहीं से भी इसमें पानी का असर नहीं हुआ। इसलिए अगर आपने भी शेड में नहीं रखा है तो रख दीजिएगा शाम को और सुबह में खोल दीजिएगा, जैसे धूप आए अपने प्लांट को आपको खोल देना है। अब इस बेबी प्लांट में भी पानी तो चला ही गया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी धूप निकली है, इनकी मट्टी सूख जाएगी। अब आपको दूसरा काम मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आपके प्लांट में भी इस तरह का पत्तियाँ झड़ गई हैं या पीली पत्तियां हो गई हैं तो आपको काम करना है। देखिए जो पत्तियां सूखी हैं अपने आप से झड़ रही हैं उनको अपने हाथ हटा दीजिए, और नहीं तो किसी कैंची की सहायता से ये फंगस लगी हुई पत्तियों को आप हटा दीजिए। नहीं तो इन पत्तियों से लग के और प्लांट खराब हो जाएंगे। किसी किसी प्लांट में तो देखिए पत्तियां एकदम तरोताजा हैं और कलियां भी आ रही हैं। देखिए पास से दिखा रही हूँ, कलियां भी आ रही हैं। अब आपको करना काम एक और होगा कि जितनी पत्तियां गिरी हुई हैं, सूखी हुई सड़ी हुई, उनको अपने प्लांट से हटा दीजिए। सारे प्लांट का ये आपको ट्रीटमेंट करना होगा जिससे कि इन पत्तियों से लग के आपके जड़ों में फंगस ना आने पाए। काफ़ी प्लांट की पत्तियां, क्योंकि अब ये डोरमेंसी है, कोई नेचुरल है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपकी पत्तियां सूख रही हैं तो उनको हटाते जाइए। अब आप देखिए ढकने का नतीजा, देखिए कलियां कितनी बड़ी बड़ी बड्स निकल के आ गई हैं। ये देखिए इस तरह आप भी अपने अडेनियम को आज प्रॉपर धूप में रखिए और ये थोड़ा काम आप भी कर लीजिए जो कि मैं कर रही हूँ। देखिए इस प्लांट में भी एक दो पत्तियां अपने आप से गिर रही हैं, बाकी सब हरी पत्तियां हैं, कलियों का गुच्छा भी है। अब देखिए मैं इसकी पत्तियों को भी हटा रही हूँ। आपको करना आप दूसरा काम होगा पत्तियों को हटाने के बाद कि थोड़ी थोड़ी मट्टी की आप गुड़ाई कर लीजिए, जिससे नीचे की मट्टी ऊपर, ऊपर की मट्टी नीचे हो जाए और पौधों को हवा बयार मिल सके, धूप की रोशनी मिले, धूप की गर्मी मिले और
इसको नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी तो वो भी सूख जाएगी धूप से। प्लांट बहुत हैं लेकिन कुछ प्लांटों का मैं उपचार करके आपको दिखा रही हूँ। सूखी पत्तियाँ बिल्कुल ना छोड़िएगा, नहीं इसमें फंगस लगेगा तो आपकी जड़ों में भी फंगस होने का खतरा रहेगा। काफ़ी प्लांट की पत्तियाँ हरी भरी हैं, कुछ की झड़ी हैं तो वो है कि डोरमेंसी का साइन है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब पत्तियों का और इसका सफाई हो गया, मिट्टी भी ढीली हो गई, एक प्लांट और रह गया है, इनको भी कर देती हूँ। ध्यान रहे कि आपको किसी धार वाली टूल से नहीं करना है। मैं हर बार वीडियो में दिखाती हूँ कि इसमें देखिए कोई धार नहीं, मैं स्पून से ही एडेनियम प्लांट की गुड़ाई करती हूँ, जिससे जड़ों में अरे जरा सा नाखून लग जाने से भी इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको करना क्या है, बिना धार वाली चम्मच से ही इसमें सारे काम करने हैं। आप ले लीजिए थोड़ी सी फंजीसाइड पाउडर और सारे प्लांट की जड़ों में इस तरह से डाल के मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, जिससे कि अगर बारिश आरिश से कोई भी फंगस वंगस हो तो अंदर तक असर ना करने पाए, आपका प्लांट फरवरी के महीने तक सेफ सुरक्षित रहे। और फंजीसाइड डालने के बाद आपको इनको मिट्टी में ऐसे इसी चम्मच से मिक्स कर देना है, और मिट्टी ढीली ज़रूर करिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर नीचे तक धूप की गर्मी नहीं जाएगी और प्लांट को हवा बयार भी नहीं मिलेगी। प्लांट बहुत हैं इसलिए थोड़े प्लांटों में मैं ट्रीटमेंट दिखा रही हूँ। अब आपको किसी प्लांट को पूरे दिन बंद करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लांट और रह गया है जिनकी मैंने प्रूनिंग करी थी, इनकी मिट्टी भी एकदम ड्राई है, थोड़ी थोड़ी नम है क्योंकि बारिश आ चुकी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गीली नहीं है। अब इनके जड़ों के किनारे भी और अगर हो सके तो आप पत्तियों पर भी इनका स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। सूखे फॉर्म में चाहे गीले फॉर्म में आपको फंजीसाइड का छिड़काव ज़रूर करना। ये रहा बारिश के बाद, अगर धूप निकली है तो सर्दी के दिनों में अपने पौधों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में मिलती हूँ किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।